अभी मैं वहाँ मिस्र में गया तो वहाँ जो उनके मुफ्ती हैं जिन्हें वो मुफ्ती आज़म कहते हैं उनसे मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात रही, अल्लाह भला करे उन्होंने इज्जत भी की। तो वो मुझे फरमाने लगे, कहने लगे कि ये जो आपके सिलसिले के लोग हैं इनकी तादाद क्या है। मैंने उन्हें अर्ज की, मैंने कहा मैं रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा भी जहन था कि हाँ हम इतने होंगे इतने होंगे, ये होगा वो होगा, तंजीमी स्ट्रक्चर ये है वो। मैंने कहा हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को 6 साल हो गए हैं दार दुनिया से पर्दा फरमाए। मैंने कहा मुझे अब और कोई पता नहीं, लेकिन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, इन 6 सालों में आज तक मैंने कहा तजदीद बैत ख़त्म नहीं हुई। बैत तो जो हो रही है, अब ये जितने लोग बैठे हैं इस सर्दी में इस तकलीफ दे मौसम में, ये कितने लोग बैठे हैं, ये बैत हो रहे हैं ना, तजदीद तो नहीं हो। तो बैत तो जो हो रही है वो हो रही है, तजदीद बैत मैंने कहा अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने कहा हजरत मुझे, मैं क्या कहूँ कि ये लोग कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं मालूम। लेकिन जो यहां से अर्ज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन सब की समाज तक तो जाती होगी ना बात। कोई चलो दिनों बाद नहीं रब्ता करता होगा, महीनों बाद नहीं, सालों बाद ही सही, कहीं नेट से सुन लेता होगा, किसी से बात सुन लो, कोई तो सुनता हो। तो मेरे इख्तियार में नाफिज करना तो नहीं, अर्ज करना है तो अर्ज तो मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये अर्ज करना, अगर हम अपने आमाल को देखें, बसियत कौम देखें, लेकिन उससे पहले बसियत मुसलमान खड़ा होने की जरूरत है।